इंडिया। लेकिन अमिताभ से ना एक बात तो क्लियर है भाई, दो चीजें उनके हाथ से कभी नहीं जा सकती, एक तो सीएम की कुर्सी और दूसरा होम मिनिस्ट्री। देखना होगा कि यहाँ पर ये दोनों चीजें वो अपने उन छवि एक अच्छी बना रखी है लोबी का, उन करप्शन का कोई आरोप नहीं लगता सर पे। अब एक तो है कि उनके आसपास के लोगों पर भले ही कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप अब लगे नहीं है, तो एक जनता को लगता है अपनी एक कुर्मी कास्ट 3% वोट के बाद भी लगातार इतने साल सीएम रहे हैं वो, तो एक अपनी क्रेडिबिलिटी एक विश्वसनीयता पे रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है जब से वो आरजेडी के साथ गए। पहली गड़बड़ ये हुई कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल गया, जंगल राज एक बार फिर से कायम हो रहा था पिछले 1.5 साल में बिहार में, जो कि नीतीश कुमार को गवारा नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था प्रशासन पर से उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार 25,000 से 30,000 करोड़ का चला गया था, वो ये दोनों चीजें काबू में नहीं थी मेरे ख्याल से। वो तारीख थी 25 जनवरी है ना, 25 जनवरी वो तारीख रही होगी जब बकायदा आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, मतलब उसी वक्त, जबकि अभी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इस पर चर्चा हो ही रही थी, ये 3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, बड़े लेवल पर तैनातियां जो थी उसको तब्दील कर दिया गया था। बिल्कुल ये होना ही था क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसके पहले कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो उसके महीने भर पहले ये पूरा का पूरा ऐलान करना ज़रूरी था नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि सब एसडीओ से लेकर डीएम से लेकर कमिश्नर तक हर जगह अगर अपने विश्वस्त लोग ना हो तो किसी भी सरकार को परेशानी हो सकती है, अगर अपने विश्वस्त लोग ना हो। ये हर राज्य में होता है, एक बड़े ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही चुनाव आयोग के हाथ में कमान जाती है आप एक भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अगर आपके पुछल्ले अधिकारी हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन जरूर ट्रांसफर कर देता है, और एक बार इलेक्शन कमीशन के उस ट्रांसफर में आपका नाम आया तो फिर दोबारा आपको बड़ी बढ़िया पोस्टिंग में आपको बड़ी मुश्किल होने लगती है। आप बने रही है हमारे साथ, अरुण भी बने हुए हैं, चंद्रमोहन भी बने हुए हैं। अरुण, एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अपने हाथ से ना तो सीएम की कुर्सी जाने देंगे ना होम मिनिस्ट्री जाने देंगे, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि वो खुद पहुंचे बीजेपी के पास, तो बीजेपी ने ऐसे ही मान लिया होगा कि नहीं भैया ठीक है आप बन जाइए सीएम, ठीक है आप जिस तरीके का 2000 इससे पहले के चुनावों में जैसा हमारा फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले पर हम आगे आएंगे, या फिर इस बार हार्ड बार्गेन बीजेपी की तरफ से भी किया गया होगा। देखिए, पहली बात तो है कि अमिताभ जी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पर्सनल छवि बहुत अच्छी है, उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उनके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है, तो इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी जब उनसे जुड़ने जाती है तो बैगेज नहीं होता नीतीश कुमार के पास कि मुश्किल हो भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोलती है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार क्लीन छवि के हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ खड़े होने में कभी दिक्कत महसूस नहीं होती। दूसरी बात है जिस बार्गेनिंग की आप बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, उसके लिए किसी एक राज्य में अगर 19-20 करके भी समझौता हो जाता है और इंडिया गठबंधन से निकल के एक राज्य, वो मुश्किल राज्य जहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, वो अगर बीजेपी के फोल्ड में आ जाता है तो ये मुनाफे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत लगा के भी अपना सीएम नहीं बना पाई, बहुमत नहीं पाई, उसको पता है कि नीतीश कुमार की जरूरत है, उनके सीटें कम है, भले पिछली बार भी 2020 में भी सीटें कम थी नीतीश कुमार को बनाया। बड़ा संदेश ये देना था कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं है। कभी बात होती थी नीतीश की, कभी ममता की, कभी शरद पवार की, कभी राहुल गांधी की, आज के दिन क्या स्थिति है प्रधानमंत्री के सामने, अब विपक्ष का कौन सा चेहरा। उन्होंने कहा कि पीएम की लोकप्रियता, और चंद्रमोहन कुछ कह रहे हैं, उनका रुक करते हैं। हाँ चंद्रमोहन बताइए। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार अब राजभवन से निकलने लगे हैं और देखिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। नीतीश कुमार के साथ जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, विनोद तावड़े, साथ में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये तीनों लोग मौजूद हैं, और अब राजभवन के अंदर से कारकेट धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा है और अब वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास में जहां पर पहले से विधायक मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक अंदर में जो अभी पहुंचे हैं उसमें MLC भी मौजूद हैं, वो पहुंचे हैं, और साथ ही पहले से जो सुबह में JDU के सांसद, विधायक और साथ ही MLC पहुँचे थे वो अभी CM House के अंदर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब पहुँचेंगे तो उनको
बताएंगे कि अब नई सरकार जो है एनडीए की आ रही है बिहार में, आ चुकी है और इसका दावा भी राजभवन में पेश कर दिया गया है। तो नीतीश कुमार अब राजभवन से उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अधिकारी वहां पर जो एसएसजी के जवान थे गेट पर मौजूद थे वो उनके साथ गया। कौन कौन था, कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे उनके साथ राज्यपाल के यहाँ? नीतीश कुमार के साथ विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो मौजूद थे, ठीक नीतीश कुमार के बगल में बैठे थे। सम्राट मौजूद थे, विजय सिन्हा मौजूद थे। तो ये तीन बीजेपी के प्रमुख नेता वहां बैठे हुए थे और अब धीरे धीरे नीतीश कुमार का काफिला निकलने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई है, अंदर में जाने की इजाजत नहीं है। तो नीतीश कुमार का काफिला अब राजभवन से धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, आगे सम्राट चौधरी हैं और ठीक उनके बगल में विनोद तावड़े बैठे हुए हैं। तो नीतीश कुमार ने दावा पेश कर दिया है और अब राजभवन से नीतीश कुमार निकलकर मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। इससे पहले जो तमाम एनडीए के विधायक हैं वो अभी संवाद कक्ष जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर में है वहां बैठे हुए हैं। अब नीतीश कुमार इसके बाद क्या कहते हैं, मीडिया से क्या बात करते हैं, ये सबसे अहम होगा। लेकिन एक बात बताइए ना मुझे, ये क्या मीडिया कर्मियों से एक बार वापस बात करेंगे? देखिए ऐसा नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि नीतीश कुमार जब शपथ ग्रहण करेंगे हो सकता है उसके बाद मीडिया से बात करें, लेकिन अभी मीडिया से वो बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये काफिला अब नीतीश कुमार, क्योंकि हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। जरा एक और फ्रेम आपको दिखाते हैं, अरुण भी वहीं पर मौजूद है। अरुण क्या देख पा रहे हैं अभी? मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए आखिरी जो गाड़ी है उनके कारकेट की एम्बुलेंस वो भी चली गई अंदर, उसके बाद सुरक्षा कर्मी जो है बैरिकेडिंग वापस अपनी जगह पर लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मंत्री के घर पहुंच गए हैं जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं। मैं ना रोक रही हूँ, एक्चुअली हो ये रहा है कि जामस की वजह से आपकी बात हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। जब इस्तीफा देकर नीतीश बाबू आए थे बाहर और मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात की थी, मैं एक बार फिर से दर्शकों को वो बयान सुनवा देना चाहती हूँ। उनके बॉडी लैंग्वेज पर आप गौर कीजिएगा, उनके एक एक लफ्ज पर आप गौर कीजिएगा। सुनिए क्या कहा था नीतीश कुमार ने जब राज्यपाल को वो इस्तीफा सौंप कर पहुंचे थे। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। चार महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर नीतीश बाबू ने बताई। क्या कहा उन्होंने कि हमारे लिए काम करना मुश्किल हो रहा था, इंडी गठबंधन को लेकर भी वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा आरजेडी को इंडी गठबंधन में कुछ काम ना होने पर भी एतराज था, यहां भी इसी तरीके के अभाव को मैं झेल रहा था और इसीलिए फैसला लिया कि मुझे सरकार से अलग हो जाना है। अभी कुछ देर पहले वो राज्यपाल से मुलाकात करके आए हैं और राज्यपाल से इस बार मुलाकात की वजह क्या थी कि समर्थन जो उनको मिला है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से, विनोद तावड़े उनके साथ मौजूद थे, विजय सिन्हा उनके साथ मौजूद थे और साथ में सम्राट चौधरी जो कि अभी कुछ देर पहले तक बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, और फिर उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया और यहीं पर वो कॉम्बिनेशन जो है
कुशवाहा भूमिहार का देखने को मिलेगा, यानी एक कुशवाहा के रूप में आपको डिप्टी सीएम मिलेगा, एक भूमिहार के तौर पर आपको डिप्टी सीएम मिलेगा और कुर्मी के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो है एक बार फिर से बिहार की सत्ता को चलाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को मैं क्यों कह रही हूँ, जातिवाद की वजह से नहीं, बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति नहीं है, और यही वजह है कि हर बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बदले जाते हैं। पिछली बार एनडीए का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या था, अति पिछड़ा वर्ग की रेणु देवी को बनाया था उन्होंने उप मुख्यमंत्री, अब उसको चेंज किया जा रहा है। अब वो छवि बीजेपी अपने पास भी लाना चाहती है, अपने साथ भी लाना चाहती है कि देखिए हमने एक बार मौका दिया रेणु देवी को, अब हम मौका देंगे यहाँ पर मौजूद कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले हमारे नेता को। और इसीलिए आप देखिए कि नीतीश बाबू के रहते हुए भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो आप कह दीजिए कुशवाहा और कुर्मी एक ही अम्ब्रेला में आते हैं, उसके बावजूद अगर वो एक उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं बीजेपी के चेहरे को, तो एक खेल साइमल्टेनियसली जातिवाद का, या ये कहिए कि जाति का से ताल्लुक रखने वाला जो वोटर है उसे साधने का चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर 2024 को लेकर किस तरीके के फॉर्मूले पर दोनों पार्टियां काम कर रही है, बड़ा सवाल। दूसरा ये कि क्या नीतीश बाबू इतनी आसानी से हर चीज में मान जाएंगे, चूंकि वो खुद आगे से गए हैं बीजेपी के पास। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये सूत्रधार कौन था, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि इस बार पुख्ता तौर पर बीजेपी के आला नेताओं ने कह दिया था कि अब ना जाने को हम नीतीश के पास, लेकिन किसको भेजा दूत के तौर पर कि वो बंद दरवाजे फिर खुले। देखिए, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार ने इस बार दरवाजे कहीं खोले ही नहीं है। नीतीश कुमार पहले संकेत देते रहे, फिर स्थितियाँ ऐसी बना दी कि अब आरजेडी के साथ चलना मुश्किल है, स्थितियाँ ऐसी बना दी कि अब इंडी गठबंधन और कांग्रेस के साथ चलना मुश्किल है, और बीजेपी को ये लगातार संकेत देते रहे। बीजेपी की जहां तक बात है, मैं पहले भी बोलूंगा, अगर पिछली बार जब गवर्नर से जाकर मिले थे तो सिर्फ वीसी के अपॉइंटमेंट करने के लिए नहीं मिले थे, क्योंकि उसके लिए भी कई और तरीके हैं वीसी के अपॉइंटमेंट के लिए, कि सीएम जाकर ऐसे जाकर नहीं मिलते हैं। उनके साथ ये भी था, तब तक ये खबर आ रही थी कि उनकी पार्टी में 10-12 विधायक टूटकर लालू को सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी नाराजगी अपने ही पार्टी के ललन सिंह से थे, पहले भी आरसीपी सिंह उनसे नाराज होकर अलग हो चुके थे, तो अपनी पार्टी में भी एक चिंता ये इस बात की थी कि कहीं लालू के साथ उनकी पार्टी अगर छोटे टूटकर सपोर्ट करती है तो मुश्किल में वो लोग आने वाले हैं। इसलिए नीतीश और दूसरी जनता के बीच क्रेडिबिलिटी का जो नुकसान हो रहा था आरजेडी के साथ जाने पर, लगातार ईडी के नोटिस जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास, तो ये मुश्किल नीतीश कुमार के साथ थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों के साथ वो कैसे सरकार चला रहे हैं। इसलिए विश्वसनीयता का नाश जहाँ पर हो रहा था, नीतीश कुमार को तब अपनी छवि की चिंता हुई, उन्होंने सिग्नल भेजना शुरू किया। मुझे लगता है कि आडेकर साहब के पास पहला सिग्नल उन्होंने जरूर दिया होगा जब पहली बार गए होंगे, और तब आलाकमान माफ कीजिए रूबिका, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले हरकत में आया है, मुझे नहीं लगता आलाकमान। मैं कुछ देर के लिए रोक रही हूँ आपको, मैं जरा मेरे बाकी जो सहयोगी यहाँ पर बने हुए हैं, चंद्रमोहन भी है, अरुण सिंह भी यहाँ पर बने हुए हैं। आप अरुण, इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है कि आगे का कार्य कैसे हो पाएगा। ये तो ठीक है, आपने सोच लिया कि अब काम नहीं हो सकता है, अब हमें आगे बढ़ना है, क्या वही चेहरे जो पिछली मर्तबा थे वो आपको दिखाई देंगे मंत्री की कुर्सी संभालते हुए या कार्य संभालते हुए, जैसी व्यवस्था पहले थी बिल्कुल वैसी, या इस बार बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? देखिए रूबिका, उसकी एक झलक तो दिख गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो निर्णय लेते हैं उसकी एक झलक तो आपको दिखाई दे गई कि पिछली बार जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे वो कहीं सीन में नहीं है, रेणु और वो तारा किशोर प्रसाद जी, वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब नए दो चेहरे आए हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, और कास्ट कॉम्बिनेशन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसके लिहाज से, और ये सिर्फ बीजेपी ने अपना कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा है, ये नीतीश कुमार को मिला करके देखा है। क्यों? लक्ष्य ये है कि 40 की 40 सीटें जीती जाए, और ये असंभव नहीं है। जब 40 में से 39 जीत सकते हैं तो 40 में से 40 भी जीत सकते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल का इस बार चेहरा होगा, कम से कम बीजेपी की तरफ से, उसमें आपको चौंकाने वाले नाम दिखेंगे, जिस तरह से सम्राट चौधरी का नाम दिखा, विजय सिन्हा का नाम दिखा, उसी तरह से नए लोग, नए क्षेत्रों के लोग, जिनकी वजह से लोकसभा सीटें जीतना आसान हो, जिनका वोट बैंक हो,
जिनकी बिरादरी में उनका रसूख हो, पकड़ हो, ऐसे लोग आगे आएंगे। ओके, हमारे साथ अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या जानकारी? देखिए, जेपी नड्डा को निकलना था 1 बजे के करीब, लेकिन मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो गया है उनका जो टाइम था। जी रूबिका, बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। इस वक्त हम जेपी नड्डा के आवास के सामने हैं और प्रस्तावित समय उनका जो निकलने का था वो था करीब 1:15 के आसपास, लेकिन अभी यहाँ पर पीएम रूट लग गया है तो इसकी पूरी संभावना करीब 1:30 से 1:45 के आसपास वो निकलेंगे अपने आवास के बाहर, और उसके बाद करीब 1:15 के आसपास एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर वो पटना के लिए रवाना होंगे। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा एक पोस्टपोन उनके शेड्यूल में ये हुआ है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष का इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना ये साफ तौर पर इस बात को इशारा करता है कि हाईकमान के निर्देश के, उनके हरी झंडी के बाद, उनके जो कंडीशंस के आधार पर ये सरकार चलेगी।